हेलो नमस्ते एंड वेलकम। जा रहा हूँ अभी फ्रेश होके दुकान शॉप दोनों, क्योंकि मूर्ति जो पूजा किए थे वो अभी भी नीचे में ही है, तो उसको पहले ऊपर कर देना है। मीन्स के जहाँ जो स्थान है मंदिर। पहुँच गया मैं शॉप के जो सबसे शुरुआत वाला, जहाँ पे शुरू में पूजा किए थे वहाँ पे मूर्ति पहले रखना है हमको। यहाँ पे ऊपर वो अभी है नीचे ही में, उसको पहले सब मूर्ति को पहले पूजा करके एंड देन फिर ऊपर रखते हैं, और फिर यहाँ से जाएंगे उस शॉप में, वहाँ पे भी सेम काम करना है। सारा फोन कर रही है कंटिन्यू, उसको भी छोड़ देना क्योंकि कल तो वो रुक गई थी, बट आज वो निकल जाएगी अपने घर। यहाँ तो हो गया मीन्स के पूजा को जो करना था, थोड़ा अगरबत्ती सब दिखा के वो तो कर लिए और स्थापित भी कर लिए यहाँ पे। अब जा रहे हैं वहाँ फिर से उस दुकान के लिए, और वहाँ पर भी सेम यही काम करना है, वहाँ पे भी दिखाते हैं। विसर्जन भी करना होगा सर, तो सोच रहे हैं आज ही सब कर देते हैं, नहीं तो आज नहीं होगा तो फिर रुक के थोड़ा सा कर देंगे। आ गया है अब ये दूसरे वाले शॉप पे, यहाँ पे भी सेम मूर्ति अभी नीचे में ही है, तो अभी जा रहे हैं अभी उठाते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, पूजा करके उठा के फिर वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, फिर वहाँ पर स्थापित करते हैं, बट थोड़ा गलत चयन कर ले रहे हैं। हाँ फाइनली यहाँ पे भी हो गया इस दुकान का भी, एंड मीन्स की मूर्ति मैंने स्थापित कर दिया है। यहाँ से उठा के भाई भी बस साफ कर ले रहे हैं, देन इसको हम छोड़ देंगे पहले घर, फिर निकलते हैं जल्दी से सारा के पास। भाई हो गया है गड़बड़, भाई को आए छोड़ने और वो गुस्सा के चली गई है मार्केट, क्योंकि काफी लेट हो रहा था, लेट पे और लेट उसको छोड़ के आए भाई को। तब तक फिर वापस से हमको शॉप के पास आना पड़ गया है, क्योंकि मेरा एक कुरियर था फ्लिपकार्ट से, वो भी आ गया है। एक भाई के लिए ऑर्डर किए थे रियलमी का 8S, वो आज डिलीवर हो गया है। सोच रहे एक बार खोलते हुए भी वीडियो देख लेते हैं कि मतलब वो नहीं है ना वाकई कि कहीं क्या हुआ था। रिसेंट का पता ही होगा आपको ना, आईफोन की जगह साबुन का टिक्की निकला था, बहुत टेंशन। ऐसे जान रहे कि फोन ही है इसके अंदर में, क्योंकि वेट से ही थोड़ा पता चल रहा था। अब उसको भी फोन करके बता देते कि तुम्हारा फोन आ गया है, और भेज देते हैं उसको, जल्दी से बुला लेते हैं, भेज देते हैं। अगर वो आ पाए तो ठीक है, नहीं तो भाई लोग और कोई जा रहे होंगे तो उसी के हाथ से उसके पास भिजवा देता हूँ। और निकलते हैं अब जल्दी से, कुरियर तो ले लिया, अब निकलते हैं पहले मार्केट, वरना वो तो वैसे ही चिल्ला रही है। आ तो गए हैं और लगभग वही मार्केटिंग खुद से अपना कर ली है, कुछ मेडिसिन लेने के लिए अंदर गई है। अब जाते हैं अंदर देखते हैं, क्योंकि अभी तक देख ही नहीं है कि हम आ भी गए हैं। ज्यादा लगता है गुस्सा में नहीं है, मीन्स की गुस्सा में है कि नहीं है पूरा पता नहीं, क्योंकि पूरा बात नहीं कर रही, जो भी पूछ रहे एकदम सीधा सीधा उत्तर दे रही है। यहाँ पे कुछ पूरा दवाई तो नहीं मिला इसको। आ गए हैं अब दूसरे वाले मेडिकल शॉप पे, उसने सामान भी अपना ले रखा है यहीं पे, गुस्सा तो नहीं बोल सकते मगर अभी तक पूरा क्लियर बात नहीं कर रही है, उसके पॉइंट टू पॉइंट ही सिर्फ आंसर कर रही है। यहाँ पे मिल गया इसको इसका मेडिसिन, अब निकलेंगे यहाँ से सीधे इसका हॉस्टल। अभी सोचे थे कि जाएंगे उसी के साथ में उसका हॉस्टल, बट डिसाइड हुआ कि वो अपने सामान पहले रख लेगी और अरेंज कर लेगी पहले बैग में सब। होता क्या है कि वो जब भी जाती है तो उसका DO मैं रख लेता हूँ अपने पास, तो वो अभी आएगी फिर से मुझे पिक करने के लिए, तब तक मैं आ गया हूँ अपने घर। और ध्यान भी नहीं रहा वो बैग, ये बैग उसी को देना था, उसको भी भूख लगा है, हमको भी भूख लग गया है थोड़ा, तो बोल रहे कि अभी कुछ बनाया नहीं है क्योंकि मेरे चक्कर में उसको लेट हो रहा था, तो उसको पहले कुछ खिला देते हैं देन फिर उसको स्टैंड पे ड्रॉप करना होगा तो कर देंगे, और क्या करेगी पता नहीं, काफ़ी लेट भी हो रहा है मेरे कारण उसका। आ गए हैं इसको कुछ खिलाने और हम भी कुछ खाएंगे, हैंड वॉश कर रही है, ऑर्डर तो दे दिए एक डोसा और सांभर बड़ा का, और कुछ अभी खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा था, हल्का खाने का मन कर रहा था कुछ। खाते खाते डिसाइड करते आज ये जाएगी कि नहीं जाएगी, देखना ये भी होगा कि बस इसका लास्ट कितने टाइम तक है, मुझसे कितने बजे तक मिल रहा है इसको, क्या करना है तुमको, जाना है क्या? क्या चीज का कल पूजा है? अच्छा कल भाई दूज है, इसका जाना तो होगा ही। खाना हो गया है, पेमेंट के लिए आ गया है नीचे, वो पेमेंट कर रही है, जा रहे इसको लेके वापस से इसके हॉस्टल, और वहाँ से फिर इसको लेके चल जाएंगे बस स्टैंड, क्योंकि 3:30 बजे तक ही लास्ट बस है, और टाइम भी लगभग 2:45 हो ही गया है, आधा पौना घंटा ही हम लोग के पास में, 2-3 घंटा लग ही जाता है इसको बस में।
दूरी तो है नहीं, लगभग 70-80 किलोमीटर है, बट रुकते 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 जाने में एक 2-2.5 से 3 घंटा के अप्रॉक्स पड़ जाता है इसको। वापस वहाँ से आ गए हैं इसके हॉस्टल के पास में, बाहर ही खड़े हैं, मीन्स के बैठे हुए हैं उसी के डीओ पे। वो गई है सामान अपना लेने के लिए, सामान लेके आ रही है। आते आते उस समय तो नहीं बोल रही थी, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही थी गुस्सा में। बाद में बोलती है कि मेरा ही गलती है जो तुम मीन्स की वही सेम सिनेरियो, एक घंटा पहले ही हम चले जाते वही बेटर रहता, फाइनली जो हमको अकेले जाना ही पड़ गया था। तो अब उसको हम कैसे बताएं कि लेट कैसे हुआ है, अब तो जान ही रहे हो और देख ही रहे हो। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन जब वो देखेगी तब उसको शायद समझ में आ जाएगा कि लेट क्यों हुआ है। बस स्टैंड जाते जाते देख रहे हैं, याद आया कि दोनों के पास कैश खत्म है, मीन्स की कैश अकाउंट में तो है। वही लेने के लिए कुछ निकाल मतलब वही निकालने के लिए कुछ आ गया एटीएम, क्योंकि बस का फेयर भी तो देना है और बाकी तो ऑनलाइन से काम हो जाएगा, बट स्टैंड बस का फेयर कैश ही देना पड़ जाएगा। और बस स्टैंड पहुँचते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, 3:10 हो चुका है। बोलना है तुमको? नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है, जाओ बस बैठा दी। अब जा रहे घर जल्दी से, प्लान तो और कुछ था, सोचे थे इसको आज रोक लेंगे बट हो नहीं पाया। अपने लेट से आइएगा, उसके बाद फिर हमको बोलिए कि तुम रुक जाओ। कहे रुके हो, क्यों रुके? मास्क नीचे कर लो, क्यों रुके? क्या दिक्कत है? हाँ एक घंटा में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, अभी सब निकल रहा है, गुस्सा नहीं आएगा, बोलना ही छोड़ देंगे हम आपको। चलो ठीक है जा रहे, बस स्टार्ट हो गया, हम नीचे जा रहे हैं। बस निकल गया है, बस तो चला गया है, जा रहे हैं अब घर। इसलिए सोचे कि घर में सबको लेके चल जाएंगे आज रात में डिनर के लिए। 3:30-4 तो हो ही गए, 3:30 बज ही गया पूरा। घर जाने के बाद पता चलता आज जाएंगे सब कि नहीं जाएंगे सब। सोचे थे फिर कहीं जाएंगे घर आने के बाद, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। मीन्स की पता चला कि भाभी जा रही है मायके, कुछ वैसा सीन ही नहीं बना कि कहीं पे किसी को ले जाए, किसी का फिर जाने का मन नहीं किया। बाद में सबका कहना कि नहीं बाद में फिर चलते हैं, तो इसलिए फिर कहीं जाना नहीं हुआ, तो वापस जा रहे हैं। अभी जस्ट भाभी को छोड़े हैं मीन्स के नीचे कार में, हम लोग निकल गए और अब जा रहे हैं छत पे मीन्स के अपना फ्लैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।